यू मिस्टर भरत पाटीदार। थैंक यू मैम, थैंक यू उदर जी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड सो स्टार्ट ही करता हूँ। यस सो माय बैकग्राउंड इज बीटेक, मैंने आईसीटी से किया विद 7.53 सीजीपीए एंड नाउ आई एम डूइंग एमटेक फ्रॉम IIT ISM Dhanbad and I will be graduating in 2021. So okay, तो मेरी जर्नी बताता हूँ। मतलब तो 10th के बाद जैसे आप सब लोगों को ड्रीम होगा IIT जाना है, ठीक है, मेरा भी था। तो मैं बंसल क्लासेस में एडमिशन ले लिया कोटा में, ठीक है। और फिर इनिशियली मेरे को A10 बैच मिला था, बट RT और रिव्यू टेस्ट होता है वहाँ पे, तो उससे बैच सफल होता है। तो उसमें मुझे A2 बैच मिल गया, तो मन में मैं सोच लिया भाई A2 बैच तो मिल गया है तो IIT तो जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैं अपनी कॉपी में भी लिख लिया भरत पाटीदार IIT बॉम्बे। तो फिर 11th तक तो ठीक था, मतलब अच्छे से पढ़ा मैंने, बट 11th के बाद थोड़ा मोटिवेशन ड्रॉप हो गया। मतलब वीडियो गेम्स वगैरह में मैं काफ़ी चले गया। डोटा अगर कोई खेलता है तो पता हुआ कैसी गेम है, पूरी एडिक्टिव है, अभी भी खेलता हूँ वैसे, बट काम भी करता हूँ साथ में। एंड सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अगर सब, तो मेरा एक्चुअली 12th में मैथमेटिक्स में 33 मार्क्स आए थे फर्स्ट टाइम में। तो 33 मतलब एक्चुअली वो पास हुआ नहीं था, वो पास किया था, मतलब जो भी फैकल्टी ने चेक किया होगा उन्होंने मेरे को पास कर दिया। मतलब 33 मार्क्स जस्ट कट ऑफ होता है, और वो मेरा वर्स्ट टाइम था, ठीक है, लाइफ का, क्योंकि फिर मेरे को रिपीट करना पड़ा और सम हाउ मैंने मतलब 80% लिया है फिर नेक्स्ट टाइम में 12th बोर्ड्स में। तो IIT बस एक सपना ही रह गया था कि अब तो क्या ही जा पाएंगे। फिर अब 12th के बाद क्या किया, मैं सेकेंड टाइम 12th जब दिया उसके बाद में मैं कॉमेट का एग्जाम दिया था और उसमें ठीक ठाक रैंक आ गया था, ओकेश रैंक आ गया था। तो मैं बैंगलोर में एडमिशन ले लिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि मतलब जिसको भी फिजिक्स पसंद है उसको मैकेनिकल में जाना रहता है, तो आई लाइक फिजिक्स। बट हुआ क्या कि माय डैड, मतलब मेरे पापा भी एक्चुअली गणपत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है एंड हेमल सर, बोथ वर गुड फ्रेंड्स। एंड एट दैट टाइम कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ था, जस्ट ये जो आप अभी जो नया कैंपस है उसमें जस्ट शिफ्ट हुआ था। तो सर ने बताया कि क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है और आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर मेरे पापा को मतलब पता था कि इसको ऐसे बैंगलोर भेजना ऐसे खतरे से खाली तो नहीं है, मतलब इसका जो पास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस है उससे पता है कि वहाँ जाएगा तो कुछ ना कुछ कांड ही करेगा। मतलब पढ़ाई में इतना ज़्यादा मैं था भी नहीं वैसे, ठीक है। तो फिर मेरे को कैंसिल करना पड़ा बैंगलोर वाला प्लान, क्योंकि आखिरी में चलती तो पापा की है, ठीक है। और बट मेरे को जाना बैंगलोर था, बट मेरे को एडमिशन यहाँ पे लेना पड़ा, ठीक है। तो मैं एडमिशन ले लिया। फिर अब बीटेक मैं अपन ज्वाइन कर लिया तुम लोगों की तरह, हम लोग भी इंटरेक्ट किए थे सीनियर्स के साथ, मजा आया था। तो फिर पहले तो मैं हाँ CGPA दिखा देता हूँ कि मतलब तुमको लग रहा है IIT पहुँच गया तो बहुत एकदम ब्रिलियंट होगा, तो ऐसा तो नहीं होता। फर्स्ट टाइम मेरा 6.68 था, सेकंड में 6.27, 7.358, जस्ट टच किया मैंने 8 एक बार ही बस, 7.71 और 7.18, 8 में 10 आया, बट वो मेरी मेहनत नहीं है, मतलब वो फैकल्टीज लोगों ने काफ़ी हेल्प किया था उस वजह से आया था। मतलब मेरी मेहनत 1 से 7 तक की है, तो देखो कुछ खास तो है नहीं, मतलब ठीक है। बट स्टिल आफ्टर बीटेक आई हैव ए CGPA ऑफ 7.53। तो मेरा एक ये रहेगा एडवाइस कि CGPA डिसेंट मेंटेन करो, मतलब 7.5 से नीचे मत जाने दो। मतलब मैं नहीं बोला 10 पॉइंटर चाहिए, नहीं चाहिए अपन को, बट 7.5 के नीचे मत जाने दो। तो पहले 2 साल में तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मतलब कूल जो अपना जो हाइप लाइफ है ना कॉलेज की, मतलब भाई कॉलेज गए तो अपन कूल है, मैं महाकूल था, मतलब बंक भी मारना था, मस्ती भी करते थे अपन, सिर्फ यही किया, ठीक है। 2 साल ऐसे निकल गए और फिर 5th सेम में पता चला कि 2 साल निकल गए कुछ खास उखाड़ा नहीं है अभी तक और कुछ स्किल्स भी नहीं थी। तो अब 5th सेम में जनरली सबको थोड़ा सा एक थॉट आता है कि बीटेक तो चलो खत्म होने वाला है, अब आगे क्या करना है। तो मेरे को पता था कि 4 ऑप्शन होते हैं बीटेक के बाद,
पहला है तो जॉब, बट उसके लिए कुछ किया तो है नहीं, 2 साल बंक और मस्ती की है, तो उससे तुम स्किल्स तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, तो स्किल्स तो थे नहीं। गेट एम टेक कर सकते हैं सेकंड ऑप्शन, तो वो गेट तो मतलब यहाँ बी टेक मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, तो गेट में तो क्या ही आएंगे मेरे। एम बी ए में इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मैं देख दिख ही रहा हुआ कि एम बी ए वाला बंदा तो नहीं लग रहा मैं, ठीक है, और बिजनेस के लिए कैपिटल नहीं था, ठीक है, तो बेसिकली दो ही ऑप्शन थे अपने पास, या तो जॉब करो या एम टेक करो, ठीक है। तो अब उस टाइम पे क्या मैं डर गया था कि अब तो ये तो कर दिया, तो वो मेरे को लगा कि वो वाले कहावत है ना कि अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, तो मेरे को लगा कि अब कहानी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं हो रहा मेरा, ठीक है। तो उसके बाद मैं एक्चुअली ऐसे डर में मैं दर्जी सर के पास गया, और दर्जी सर को बताया मैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, 2 साल से मैं कुछ किया नहीं हूँ और कुछ आता भी नहीं मेरे को, मार्क्स भी कुछ खास नहीं है, तो अब आगे क्या करूँगा। तो दर्जी सर बोले कि मतलब पहले तो लोड मत ले इतना, ठीक है, कि अभी भी मतलब जो गया वो तो गया, अब तो आगे कर क्या सकता है, मतलब अभी जो टाइम बचा है उसमें कुछ कर सकते हैं क्या। तो बेसिक बेसिकली मेरा 1.5 साल था, 1.5 साल कम नहीं होता है, ठीक है, 1.5 साल में तुम काफी कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि तू गेट की तैयारी कर, क्योंकि मैं बताया कि जॉब और एमटेक दो ही ऑप्शन है मेरे पास, तो उन्होंने बोला गेट की तैयारी कर, तो उससे तेरे को 3 फायदे हैं, एक तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे क्योंकि गेट और अपने कॉलेज का सिलेबस लगभग सेम रहता है, गेट एग्जाम में तो उसी की तैयारी कर, तो उसमें तो हेल्प होगी और जॉब इंटरव्यू में भी हेल्प होगी। तो मैं मतलब जैसा दर्जी सर ने बोला मैं करते गया, मतलब ठीक है तैयारी किया, मतलब मेहनत किया मैं, ठीक है, तो मेरे को एक्चुअली सब कुछ मिल गया, एक्चुअली मतलब CGPA मिल गया 7.53 का, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि 7.53 मिल जाएगा, वो भी अच्छा है मेरे लिए, मतलब IIT धनबाद में ऑफर लेटर मिला और IBM में भी हो गया मेरा कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। एंड देन अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो तुम लोग कोई भी कर सकता है, ठीक है, मतलब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस देख लो, कुछ खास मैंने उखाड़ा नहीं था, बट जब जाओगे तब सवेरा, और अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है यार, मतलब 4 साल है, ठीक है। तो बाद में फिर जब मैं तो 5th समय काफ़ी लेट स्टार्ट किया, बट अभी बाद में मैं सोचा कि अगर मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देता तो मेरे को इतनी मेहनत लगती भी नहीं, क्योंकि जो अपना कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोर्स वर्क, उसमें तुम देख सकते हो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें तुम्हारे 3 सब्जेक्ट कॉमन है गेट एग्जाम के साथ, एक हो गया सी प्रोग्रामिंग, सेकंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और थर्ड इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे गेट के लिए, और अगर गेट के लिए अच्छे से पढ़ रहे हो ना तो यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप प्रिपेयर हो ही जाएगा। तो बेस्ट थिंग है कि तुम लोग एक्सप्लिसिटली गेट के लिए प्रिपेयर ना करके भी तुम गेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, वो बताऊंगा अभी थोड़ा सा। तो अब ये है कि फैकल्टीज बहुत सही है अपने पास, ठीक है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर तुमको डाउट है ना तो तुमको पूछना पड़ेगा कि ये डाउट है मेरे को, मतलब वो फैकल्टी है, जादूगर नहीं है कि तुमको उनको पहले से पता हो कि इस बच्चे को ये डाउट होगा, ठीक है, तो तुम जाके तुम डाउट पूछो, मतलब मैं मेरे को तो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक कि कोई फैकल्टी ने मना नहीं किया मेरे को, ठीक है। और अगर जैसे कि कभी कभी क्या होता है फैकल्टीज ने भी पहले पढ़ा है वो सब्जेक्ट तो अभी उतना ढंग से याद नहीं रहता, तो मना नहीं करते, मतलब फैकल्टी बोलते हैं ठीक है मैं कल देख के फिर तुमको, तो वो एक्चुअली मतलब बाद में एक एक या 2 दिन के बाद वापस से सर ऐसे पूछ बता देते थे कि हाँ तुमने उस दिन ये क्वेश्चन पूछा था तो उसका सोल्यूशन ये है, ठीक है। तो मतलब बट ये है कि तुमको जाना पड़ेगा सामने से, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा ही फायदा है उसमें। तो अब है कि अब जब बीटेक में था तो मैं इतना ज़्यादा सर्टिफिकेशन पे एम्फेसिस नहीं दिया, मेरे को था कि बीटेक की डिग्री तो मिल रही है ना, और हर जगह अगर यहाँ पे नहीं होता तो सर्टिफिकेशन तो नहीं मिलता, तो मैं सर्टिफिकेट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था। लेकिन स्टिल मैं आखिरी के जो एक दो थे ना, जो लास्ट वाला था उस पे वो IBM का जो सर्टिफिकेट है वो अभी भी मैं रेज्यूम में डाला हुआ धनबाद वाले, मतलब अभी जो करंट जो मेरा रेज्यूम है उसमें भी मेरा IBM सर्टिफाइड है, तो वो उसका काफ़ी फायदा हो जाता है प्लेसमेंट में भी, ठीक है। तो और ये 4 साल है तुम्हारे पास, जितना हो सके उतना नॉलेज और स्किल्स गेन कर लो, ठीक है। और मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ यार कि काफ़ी सारे IBM सेशंस मैं मिस किया था, मतलब मिस किया था इन द सेंस फिजिकली प्रेजेंट था बट मेंटली एब्सेंट था, तो क्योंकि मैं देखा ना यहाँ पे मेरे साथ में और भी काफ़ी बच्चे जो मेरे साथ एमटेक कर रहे हैं वो NIT वगैरह से भी आए हुए हैं, बट स्टिल उन लोगों को भी जो टेक्नोलॉजीज और जो कोर्सेज अपने यहाँ पे पढ़ा रहे ना उस लेवल के कोर्सेज नहीं पढ़ाते, ठीक है। क्लाउड के बारे में सबको पता है कि हाँ क्लाउड क्या होता है बस, लेकिन क्लाउड में एप्लीकेशन डेवलप करना वो सब
बाकी लोगों को नहीं आता है, तो वो काफी बड़ा प्लस पॉइंट बन जाएगा रेज्यूम में, तो मतलब अलग ही दिख जाओगे तो ठीक है। तो मेरा ये रहेगा कि जितनी भी ट्रेनिंग्स रहेगी ना, एकदम पूरा मन से अच्छे से करना, और जिन लोगों का बैकग्राउंड मेरे जैसा है ठीक है, मतलब कि ऑप्शन दो ही है, या तो एमटेक या जॉब या फिर एमबीए, मतलब बिजनेस नहीं है ठीक है, और तुमको लग रहा है कि अगर पढ़ाई नहीं कर रहे ना तो अपन कूल है, तो भाई ग्रो अप यार, मतलब अभी तुमको भले ऐसा लग रहा है ना, बट फिफ्थ सेम के बाद तुम्हारा वो पूरा थिंकिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाद में तुम खुद ही पे हो मतलब ठीक है, कोई हेल्प तो नहीं करेगा ठीक है। तो अब गेट की तैयारी क्यों की जाए ठीक है, अभी तो फायदा बताया, तो पहला फायदा बताया क्या है कि नुकसान तो नहीं है, मतलब कर भी लोगे तो नुकसान तो नहीं होगा ना ठीक है। तो पहला है कि आईआईटी का टैग मैटर, और ये तो सबको पता है, मतलब मेरे को भी अच्छा लगता है पता है, मतलब मैं ऐसे कहीं जाता हूँ अब तो मैं अपना नॉर्मल आधार कार्ड वगैरह देता ही नहीं, मतलब आईडी प्रूफ में आईआईटी वाला कार्ड ही देता हूँ, मतलब ऐसे अच्छा लगता है पता है, सामने वाले का एक्सप्रेशन जो चेंज होता है ना अच्छा लगता है ठीक है, तो फील गुड फीलिंग है ठीक है। एक तो आईआईटी टैग, सेकेंड है कि अगर तुमको आईआईटी नहीं मिल रहा, भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है ठीक है, तो मेरा एक आईसीटी में मेरा एक फ्रेंड था बीडीए में रोशी व्यास, उसको ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद मिला, और उसका इंटर्नशिप मेरे से पहले लग गई है, और वो अभी जनवरी में ज्वाइन कर रहा है अमेजोन को एज ए इनकमिंग इंटर्न। और जैसे अब एक और फायदा बताता हूँ कि मतलब गेट से क्या फायदा रहेगा, कि अभी जैसे हमारा 1 नवंबर से कोडिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, प्लेसमेंट सीजन अभी आईआईटीज का अब स्टार्ट होता है, तो मतलब अभी कोविड में ये सीटीसी प्रोवाइड हो रही है, जैसे 45 LPA जो माइक्रोसॉफ्ट कर रही है, 32 गोल्डमैन सैक्स, 30 का फ्लिपकार्ट कर रहा है, 28 का ओरेकल है, मतलब ऐसे 18 से 20 कंपनी है जो कि 25 लाख के ऊपर सीटीसी प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसा भी नहीं कि सब लोग एक एक दो दो बच्चे ले जा रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर हमारे सीनियर में माइक्रोसॉफ्ट 26 तो FT फुल टाइम ऑफर लेके गई, 18 स्टूडेंट्स को PPO दिया, मतलब 44 स्टूडेंट्स को उसने 39 लाख पर एनम पे हायर किया था माइक्रोसॉफ्ट एक ही कंपनी ने, और ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज आती है ठीक है। तो मतलब ये देख के थोड़ा लालच तो आया होगा ठीक है, तो ये लालच के साथ मेहनत भी जुड़ी हुई है, तो अब प्रिपरेशन कैसे करना है, तो ये सिलेबस है, मतलब ये मेरे टाइम का था एक्चुअली, अभी थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अब सिलेबस से निकल चुका है ठीक है, तो ये मैं आपको PPT शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो बुक्स है ना वो स्टैंडर्ड बुक्स है, अगर अपन लोकल ऑथर्स के बुक अगर पढ़ते हैं ना, तो उसमें काफ़ी कंसेप्चुअल मिस्टेक्स भी हो सकती है, या फिर आपको समझने में इतना क्लियर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, बट ये जो बुक है ना अब ये बुक्स फॉलो करो, ये एक्चुअली मेरे को भी सजेशन मिला था एक्चुअली, ये 2015 में गेट टॉपर था रविशंकर मिश्रा, ये सारी बुक्स उसी ने सजेस्ट की थी, और मैं भी इन्हीं बुक्स को फॉलो किया हूँ। एंड अब पहली बात कि गेट में ना तुम्हें अगर 70 के अबव मार्क्स आ गए ना, तो तुमको IIT मिल जाएगा, अबव 70 इज गुड इनफ टू गेट एन IIT, तो अगर 70 में IIT मिल रहा है तो तुम 90 की तैयारी क्यों कर रहे हो ठीक है, तो पूरा सिलेबस नहीं करना अपन को कवर, आई डेंट कवर द होल सिलेबस ठीक है, जस्ट प्रिपेयर अराउंड 80% ऑफ द सिलेबस ठीक है, बट अब तैयारी कैसी करनी है कि अगर क्वेश्चन आया है जो अगर मैंने पढ़ा है और उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन मैं सही बनाऊंगा, गलत क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है ठीक है, तो जो आया है वो सही बनाना है ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि अपने जितने फैकल्टीज है ना, मोस्ट ऑफ देम आर गेट क्वालिफाइड, सो अगर आपको कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है ना, प्रिपरेशन टिप्स भी चाहिए, तो आप लोग फैकल्टी को डायरेक्टली आप जा सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, एंड सम ऑफ आवर फैकल्टीज हर साल गेट देते हैं, भले आप उनको जरूरत नहीं है गेट देने की, बट स्टिल टू कीप देम अपडेटेड दे स्टिल गिव गेट एवरी ईयर, एंड यू विल नीड टू वर्क हार्ड ठीक है, मतलब अभी तक नहीं गया तो एक बार तो बनता है ठीक है, मतलब हार्ड वर्क कर लेंगे ठीक, करना पड़ेगा। एंड अब हाँ, ये इस पे मैं काफ़ी एम्फेसिस करूँगा कि एक सेपरेट नोटबुक रखना, जिसके अंदर तुम जो जो मिस्टेक कर रहे हो ना जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो सारी की सारी मिस्टेक्स को आप उस नोटबुक में लिखते रहेंगे। एंड गेट प्रिपरेशन 40% आप थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, एंड 60% इज प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। ओके, सो व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी, ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जैसे मैं फिफ्थ सेम में था, तो मेरे पास क्या था ऑप्शन, जो मैंने सब्जेक्ट पहले से पढ़े हुए हैं और उनमें से जो मेरे को ईजी लग रहा है मैं उससे स्टार्ट करूंगा, बट यू गाइस आर फ्रेश ठीक है, फर्स्ट सेम में हो तुम लोग, तो तुमको जो जो सब्जेक्ट
करंट सेमेस्टर में है और गेट में जो कॉमन है, ठीक है, वो सब अच्छे से करना है। वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो दिस वॉज माई ऑर्डरिंग ऑफ सब्जेक्ट, लाइक आई लाइक प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग मेरे को दर्जी सर ने पढ़ाया था, तो उस टाइम पे सी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आ गया था। उसके बाद में IBM का सेशन भी हुआ था हमारा सी प्रोग्रामिंग में। तो मेरा क्या था, थ्योरी तो मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट मैं प्रैक्टिकल से मेरे को मजा आता था, ठीक है। तो मैं प्रोग्रामिंग ज़्यादा करता था, थ्योरिटिकल थोड़ा कम था। और सो दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड माई सिलेबस, ठीक है। अब मैं दो सब्जेक्ट काफ़ी कम किया था, एक कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे वीक थे। लेकिन मैं क्या किया कि वीक थे तो एकदम छोड़ नहीं दिया उनको। आप बेसिक लेवल तक मेंटेन कर सकते हैं कि अगर एकदम बेसिक क्वेश्चन आए तो तुम कर लोगे, टफ आया तो लीव इट। सो बेसिकली द थिंग इज नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। सो नाउ हाउ टू कंप्लीट ए सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कंप्लीट कैसे करेंगे अपन? फर्स्ट थिंग इज रीड द टॉपिक फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। बुक से सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, पूरा चैप्टर खत्म, सिलेबस खत्म नहीं। एक बार में चैप्टर नहीं पता, एक टॉपिक किया आपने, ठीक है। अब क्या करोगे कि अब आप देखो टॉपिक में कुछ डाउट आया क्या, अगर उस टॉपिक, और बेस्ट थिंग पता है क्या है, जैसे क्लास में तुमको कुछ जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सी मैथ या डी, ठीक है, तो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, तो वही टॉपिक तुम घर जाके पढ़ सकते हो जो स्टैंडर्ड बुक से उसमें से। अब उसमें क्या रहेगा कि अभी अगर तुमको कोई डाउट भी आ रहा है तो वो टॉपिक तुम्हारा अभी क्लास में वही चल रहा है, तो तुम अगर डाउट आया तुम क्लास में आके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम पैरेलली ये करते रहो, और इसमें तुमको जैसे ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, मतलब दिन का आधा एक घंटा दोगे ना, इनफ है। नाउ पिक ए टेस्ट ऑफ ए टॉपिक विच इज़ कम्प्लीटेड, मतलब जो भी तुम्हारा टॉपिक खत्म हुआ ना उसका एक टेक्स्ट बुक पे से टेस्ट उठा लो। तो टेक्स्ट बुक एक्चुअली एक वेबसाइट है जिसपे टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, उसका सब्सक्रिप्शन होता है 900 रुपीज़ पर ईयर में। एंड और जब तुम सॉल्व कर रहे हो ना तो गैस वर्क बिल्कुल मत करना, क्योंकि उससे नुकसान क्या है कि गैस वर्क में अगर तुम्हारा गलत आया तब तो कुछ नुकसान नहीं है, बट अगर तुम गैस कर रहे हो और आंसर सही निकला तो क्या होगा कि तुम उस क्वेश्चन को टेक कर दोगे, हाँ ये मैं कर लिया, जबकि तुमने किया नहीं, तुमने गैस किया था, ठीक है। अगर तुमको सॉल्यूशन का अगर अप्रोच नहीं पता ना तो लीव द क्वेश्चन। नाउ तुमने टेस्ट दे दिया, तो अब टेस्ट में कुछ क्वेश्चन सही किए होंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ तुमने मिस कर दिए होंगे, ठीक है, लीव कर दिए होंगे। तो एनालाइज कैसे करना है टेस्ट को, कि मैं एक्चुअली 3 कॉपी रखा था, ठीक है। 3 कॉपी में क्या है, एक कॉपी में सिर्फ वो क्वेश्चन जाएंगे जिसमें मैं सिली मिस्टेक्स किया था। एंड वन ऑफ माई सिली मिस्टेक इनिशियली पता है क्या करता था मैं, स्मॉल बी और कैपिटल बी। CN में क्या होता है कि स्मॉल बी इज़ फॉर बिट्स एंड कैपिटल बी इज़ फॉर बाइट। मेरे को डिफरेंस नहीं पता था, मैं कभी इसको बाइट लेता था, कभी इसको बिट्स लेता था, ठीक है। तो मतलब काफ़ी, मतलब ये देख रहे हो, ये तो सबको पता होता है, मतलब जिसके सबको पता होता है, बट मेरे को नहीं पता था, तो इसमें शर्माना नहीं है, लिख लेना, हाँ ये नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है। अब क्या करना है, सेकेंड इज कंसेप्चुअल मिस्टेक, मतलब कि अब तुम समझ भी लिया किसी चीज़ को, तुम क्वेश्चन सॉल्व किए उस अप्रोच से और आंसर गलत आ रहा है, तो तुमने तो सब कुछ सही किया बट आंसर फिर भी गलत आ रहा है, मतलब कि तुमने कंसेप्ट ही गलत समझा है, ठीक है। तो क्या करना है कि अगर कंसेप्ट गलत समझा है ना तो उस कंसेप्ट को वापस से पढ़ना है। फिर कंसेप्चुअल वाली मिस्टेक में ना आप मतलब कंसेप्ट का नाम टॉपिक लिखेंगे और उसकी एक्चुअल थ्योरी जो कि आप गलत किए हो, ठीक है, जो जो गलत समझे थे। और नोट्स इंग्लिश में नहीं, जरूरी नहीं इंग्लिश में बनाना है, यू कैन मेक इट इन हिंदी इंग्लिश मिक्स। मेरे नोट्स में इंग्लिश हिंदी मिक्स था, अनेबल टू अप्रोच द क्वेश्चन। अब थर्ड टाइप की कैटेगरी क्या हुई क्वेश्चन की, कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको समझ ही ना करना क्या है, आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड थ्योरी पता है, ठीक है, बट आपको पता ही नहीं अप्रोच करना कैसे क्वेश्चन को, तो वो क्वेश्चन एक्चुअली ट्रिकी होते हैं। तो वैसे लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं हर एक टॉपिक के, ठीक है, जिसकी तुमको अप्रोच पता ही नहीं चलेगी। तो बेसिकली करना क्या है कि तुम गेट के पहले जितने भी क्वेश्चन है सारे एक्सप्लोर कर लो, तो जब गेट दोगे तो ये एक्चुअली पता है अच्छी बात है, तुम अगर मिस्टेक ज़्यादा कर रहे हो ना पहले तो काफ़ी सही चीज़ है, क्या कि ये मिस्टेक तुम अभी कर रहे हो तो तुम गेट में नहीं करोगे। मैं ये सोचता था कि अभी मिस्टेक हो रही है ना तो सही है, होने दो, मतलब अभी हो रही है तो मैं गेट में नहीं करूँगा ये मिस्टेक, ठीक है। और तुमको याद भी रहेगा, पता है कि ये अच्छा मैं इतनी सिली मिस्टेक किया था, तो तुम जब नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक करने जाओगे ना तुमको ऐसे क्लिक करेगा कि अच्छा मैं यहाँ पे गलती किया था, तो यहाँ पे सावधान हो जाना है, ठीक है। एंड नाउ माई एडवाइस, ठीक है,
तो फर्स्ट एडवाइस वुड बी टू ट्राई टू मेंटेन अ डिसेंट जीपीए। 7.5 के नीचे मत जाने दो, 8 हो तो काफ़ी सही है, बट डोंट लेट इट ड्रॉप बिलो 7.5। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ कॉमन सब्जेक्ट्स विच आर इन गेट एज वेल एज इन योर करंट सेमेस्टर एंड स्टडी इट वेल। ठीक है, एंड हाउ टू स्टडी सब्जेक्ट आई जस्ट टोल्ड यू, राइट, फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स। जस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो स्टैंडर्ड बुक्स एंड रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ स्टैंडर्ड बुक। भले तुमको पहले से पता है, फिर भी तुमको नया चीज पता चलेगा। एंड डू सॉल्व द एक्सरसाइज विच आर गिवन इन द बैक ऑफ द चैप्टर। एंड हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है, मतलब मेरे को पता नहीं चला कि मैं गेट क्रैक कर लिया। मतलब ऐसे मैं कुछ खास ऐसे 12-13 घंटा पढ़ा भी नहीं, बट मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा, तो वैसे पता भी नहीं चलेगा तुमको कि तुम तैयारी कर रहे हो और तुम तैयारी हो भी रही है। तो ये इस पर मतलब मोस्ट सबसे इसमें बोल्ड भी किया मैंने कि स्मॉल एफर्ट्स डेली, रेगुलरिटी से ही मतलब पूरा खेल है भाई। एंड बी काम एंड डोंट ओवर गेट ओवरवेल्म्ड इफ यू कांट आंसर द क्वेश्चन। मतलब काम रहने का, ठीक है, चिल रहने का। मतलब मैं जब पूरा मैं 80% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं फर्स्ट टाइम मॉक टेस्ट दिया, मेरे 32 मार्क्स आए। मैं बोला कि भाई ये तो पूरा पूरा ही कचरा हो गया कि सिलेबस भी खत्म कर लिया अपन ने, मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो मतलब पूरी मेहनत बर्बाद। बट ये नहीं है भाई, तुम फर्स्ट टाइम दिया है ना, वैसे डरना नहीं है, ये वाला टेस्ट में हो गया ठीक है तुमको। लेकिन होगा क्या, जब तुम फिर एनालाइज करोगे ना, तो जब ऐसा होता था ना बहुत कम मार्क्स आते, तो मैं क्या सोचता था कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिसको मैं कर सकता था, बट मैं सिली मिस्टेक के चक्कर में मिस कर दिया। तो उससे क्या होता, मैं उनके मार्क्स भी कैलकुलेट कर लेता था कि जस्ट अगर मैं, मेरे को आता सब था, बस मैं अगर सिली मिस्टेक्स को अगर अपन कंट्रोल कर लेते तो अपने मार्क्स कितने आते। तो अगर वो कैलकुलेट करोगे ना, तो स्कोर आपका 55-60 के अबाव हो जाएगा। तो उससे अच्छा चीज़ क्या रहेगी कि तुमको पता चलेगा कि तुम एक्चुअली इस पेपर में से तुम्हारे 50-60% तुम बना सकते थे, बट तुमने बनाया 32। उसका रीजन क्या है, सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स अपन लिख रहे हैं नोटबुक में, तो अगर एक बार रिपीट हो गई तो अब नेक्स्ट टाइम अपन वो सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। बस डिमोटिवेट नहीं होना, मतलब मैं कर लिया फिर तुम लोग भी कर ही लोगे, ठीक है। मतलब मेरे 33 आए थे मार्क्स मैथ्स में, तुम्हारे इससे तो अच्छे ही आए होंगे। एंड हाँ, इस पे मैं फोकस क्यों दे रहा हूँ पता है, कि प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ। आई यूज टू डू ऑल द प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट बाय माई सेल्फ। मैं जब IIT धनबाद में गया, तो जस्ट मैं अगस्त में एडमिशन लिया था, फर्स्ट सेम चल रहा था, 2 वीक हुए थे गए हुए, और माइक्रोसॉफ्ट का कोडिंग टेस्ट आ गया फॉर इंटर्नशिप, और अराउंड 550 स्टूडेंट्स सेट फॉर इट। और हमारी एमटेक बैच में थे सिर्फ 2 लोगों का क्लियर हुआ था कोडिंग राउंड, एक मेरा हुआ और एक मेरी फ्रेंड है स्नेहा करके, उसका हुआ। तो और मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, मैं जस्ट अभी तक मैं बीटेक कर रहा था अपना मस्त ICT से मैं, और बात बीच का जब गेट का रिजल्ट आ गया, ऑफर मिल गया, फिर मैं पूरा चिल काटा 2-3 महीना, मस्ती किया मैं, फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो मैंने कुछ ऐसे तैयारी नहीं की ना कोडिंग की, बट द थिंग इज मैंने बीटेक में ना सारे प्रैक्टिकल्स खुद किए थे, तो उससे तुम्हारा बेसिक मतलब कोडिंग के लिए एप्टीट्यूड क्रिएट हो जाता है। तो मैं प्रैक्टिकल्स पे मतलब तुम लोग पूरा फोकस करना, वो खुद ही करना है, ठीक है। तो मैं कोडिंग राउंड निकाल दिया माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें से कोडिंग राउंड में एक्चुअली 85 लोगों ने क्लियर किया था आउट ऑफ 500। एंड देन देर वॉज अनदर राउंड, ग्रुप फ्लाई राउंड। ग्रुप फ्लाई राउंड में बेसिकली तुमको रैंडम सा प्रॉब्लम देते हैं, बोला कि तुम कुछ भी डेटा स्ट्रक्चर और अप्रोच यूज करके इसका सॉल्यूशन हमें दो, पेपर पेन पे देना होता है, कोड नहीं लिखना होता, बस तुमको उनका थिंकिंग जानना है आपका। तो आफ्टर दैट राउंड अराउंड 22 स्टूडेंट्स वर शॉर्टलिस्टेड एंड आई वॉज वन ऑफ देम। वो क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट खुद किया था, क्योंकि प्रैक्टिकल में तुमको प्रैक्टिकल ऐसे मिलेंगे कि तुमको लगेगा भाई यार ये तो बहुत टफ है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ तो मार्क्स ही चाहिए ना। बट प्रैक्टिकल के पीछे मतलब मार्क्स के लिए तो अगर दे रहे होते तो फिर तो इतना मेहनत नहीं करते ना फैकल्टी भी, क्योंकि अगर तुम कॉपी पेस्ट ही करो तो क्या ही मतलब। लेकिन जो जितने डिफिकल्ट प्रैक्टिकल्स है ना, तो तुमको लग रहा है कि भाई इससे बहुत सीखने मिलेगा, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल्स खुद करने हैं। तो उससे तुम सोचोगे कि अच्छा ये नहीं कर सकते, शायद स्टैक यूज कर दे अपन, यहाँ पे क्यू यूज कर सकते हैं, तो उससे काफी अच्छा मतलब, और प्रैक्टिकल जैसे होगा ना तुम्हारा, तुमको अच्छा लगेगा, हाँ यार ये मैं खुद लिखा हूँ, तो अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। एंड फॉर जॉब्स, अगर जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो टेक्नोलॉजी सीखना अच्छी बात है, सब कुछ सीखो, बट आपका कोर बेसिक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नो हाउ टू सॉर्ट, इफ अगर आपको कोड दिया कि सॉर्टिंग का कोड लिख दो, आपने लिख दिया पाइथन में यूज करे तो p.sort a.sort, तो ये आप सॉर्ट हो गया, ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी यूज करते आती है, बट अब इंटरव्यू क्या पूछेगा आपसे कि ये तो कोई भी कर सकता है ना, जिसको
जिसने सीएस डिग्री नहीं ली वो भी सिर्फ सॉर्ट तो कर ही सकता है, मतलब डायरेक्टली कोड लिख फंक्शन यूज करके, बट वो फंक्शन काम कैसे करते हैं? तो दैट इज व्हाई यू शुड नो एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस। मतलब ये तो कोर सब्जेक्ट है, मतलब ये तो आना ही चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो इनका आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, मतलब मेरी तरह गलती मत करना कि मैं तो मतलब 2 साल तो अपन मजे में काटे हैं, फिर अपन ने सोचा कि अब कुछ करने का टाइम है। बट आपके पास अभी से टाइम है, अभी से करो, एफर्ट्स भी कम लगेंगे, बस रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करना है तो हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट डूइंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग। आई थिंक हिमांशु कृपलानी ऑल्सो यस्टरडे, इन यस्टरडे सेशन हिमांशु कृपलानी ऑल्सो फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट। कॉम्पिटिटिव कोडिंग बेसिकली क्या है कि एप्टीट्यूड के लिए अपन जैसे जनरल एप्टीट्यूड अपन सॉल्व करते हैं ना, वैसे कॉम्पिटिटिव कोडिंग काफ़ी सारे वेबसाइट है, हैकर रैंक वगैरह, उससे आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है। बट एप्टीट्यूड किसके लिए? प्रोग्रामिंग के लिए। तो वो उसमें कुछ खास टेक्नोलॉजीज वगैरह आप नहीं सीख रहे, बट यू विल लर्न हाउ टू टैकल एनी प्रॉब्लम। लाइक मैं बीटेक में कम्पिटिटिव कोडिंग करता था, तो दैट्स वाई देर वॉज अ कोड कम्पिटिटिव कोडिंग चैलेंज हेल्ड एट निर्मल यूनिवर्सिटी, उनके हैकाथॉन में था और मैं पार्टिसिपेट किया और मैं जीत गया। मतलब मेरे को पता नहीं, मैं लेकिन मैं जीत गया। तो मेरे को भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया भाई, लेकिन वो ठीक है। तो वो है कि कम्पिटिटिव कोडिंग तुम करते रहो थोड़ा थोड़ा, एक एक क्वेश्चन करना है रोज, ज़्यादा नहीं करना, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक से धीरे धीरे, और फिर तुमको मज़ा आएगा, पता है। एंड सेकेंड इज मतलब मेरा पास तो तुमने देख ही लिया, मतलब कि कुछ खास उखाड़ा था नहीं, ठीक है, मतलब 33 मार्क्स था, मेरे मार्क्स एवरेज भी नहीं, मतलब बिलो एवरेज ही थे, ठीक है। लेकिन अगर हार्डवर्क कर रहे हो ना सही डायरेक्शन में तो, और टाइम है, ठीक है, हार्डवर्क कर रहे हैं ठीक है, बट टाइम भी होना चाहिए, तो तुम्हारे पास वो है, तो तुम अगर कर रहे हो ना तो तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो। मतलब जैसे मेरा एग्जाम्पल जैसे ले सकते हो, मतलब मैं भी कुछ खास किया नहीं था पहले, बट जब मैं स्टार्ट किया ना, बट लेकिन ऑनेस्ट रहना है, अगर तुमको नहीं आता ना तो बेशरम, ये मेरे को नहीं आता, मेरे को सिखाओ। मैं मतलब क्लास में ऐसे था कि अगर ये मेरे को कंसेप्ट समझ नहीं आया ना, भले सबको सबने हाँ बोल दिया ना, तो सबको लग रहा है, अपन को भी लगे सबको तो आ गया, अपन को ही नहीं आया, अपन ही बेवकूफ है क्या, बेशरम हो जाने का, मेरे को नहीं आया था, ठीक है। और एक्चुअली पता है ज़्यादा किसी को आता भी नहीं है, सब लोग तो हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो अपन को भीड़ चाल में नहीं, और तुमको ऐसे डर लग रहा है ना कि क्लास में नहीं पूछना, तो मैं ऐसा करता स्टार्टिंग में, मैं क्या करता था कि मैं जैसे क्लास खत्म हुआ, ब्रेक हुआ, मैं सर के पास जाऊँगा और मैं पूछूंगा सर ये चीज़ मेरे को समझ आई नहीं, फिर सर समझा देते थे, फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि मतलब, और फिर मैं क्लास में से डिस्कस करता दोस्तों के साथ कि तुमको समझ आ गया, उनको भी नहीं आता था, तो फिर मेरे को लगा कि फिर मतलब फिर शर्माने वाली बात है नहीं, मतलब इसमें ये कि तुम्हारे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि तुमको पता है कि तुमको कितना आता है, ठीक है। तो ये चीज़ बेशरम हो जाना है, जो नहीं आता वो पूछ लेना है, ठीक है। तो नाउ